एग्जाम्पल वन क्या गिवन है इसमें देखो, आपकी एपी दी हुई है, एपी हमें बोला ही हुआ है, फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन, राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, जो सबसे पहली टर्म आपको एपी की दिख रही है 3/2, क्लियर। तो फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं तो 3/2। बेटा बहुत ही आसान चैप्टर है ये, और आप सबके लिए स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें आराम से नंबर आएंगे, कहीं नहीं कटेंगे अगर सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे तो, ठीक है ना। और क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बताया था, a2 - a1, और किससे डिनोट करते हैं, d से। तो a2 - a1 बेटा वैल्यू ध्यान से पुट करो, a2 क्या है आपका 1/2, -3/2। सो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लिया 2 आ गया 1 - 3, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 3 है 2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -2/2 यानी -1। सो कॉमन डिफरेंस आपका -1 आ गया, और फर्स्ट टर्म आपकी 3/2 आ गई, ठीक है। नाउ इसी तरह एग्जांपल 2 में बेटा आपको क्या बोला, देखो एग्जांपल 2 में आपको चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी, इनमें से कौन कौन से एपी बना रहे हैं, और इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म, ठीक है। अगर वो एपी बना रहे हैं तो नेक्स्ट टू टर्म्स भी आपको लिखनी है। तो आपको ये दिया हुआ है फर्स्ट वाले पार्ट में, तो आपको चेक करना है कि एपी है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, सारे डिफरेंस हम निकाल के देखेंगे, a1 a2 a3 a4 तक हमें दिया हुआ है, पहले a2 - a1 निकालेंगे, क्या आ जाएगा 10 - 4 यानी 6, a3 - a2 करेंगे 16 - 10 कितना आ जाएगा 6, फिर a4 - a3 करेंगे 22 - 16 कितना आ जाएगा 6। अगर ये तीनों डिफरेंस आपके इक्वल हैं तो ये एपी बना रहा है, क्लियर। सो एज डिफरेंस इज इक्वल, देयरफोर डिफरेंस आर इक्वल, देयरफोर इट सो इट फॉर्म्स एन एपी, क्लियर। अब एपी है तो ए और डी क्या हो जाएंगे आपके, ए क्या हो गया फर्स्ट टर्म यानी कि 4, डी क्या हो गया 6, जो कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, क्लियर। जब भी आपका ये कंफर्म्ड हो जाए कि एपी है, वहां पे अपनी सबसे पहले ए और डी लिखो। अब हमें नेक्स्ट टू टर्म्स बोली थी, तो फोर्थ टर्म तक तो है हमारे पास, फिफ्थ और सिक्स हमें बोली है, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, a5 = a+4d, क्लियर। या आप इसको इस वे में भी लिख सकते हो, a4 + d, यानी जो फोर्थ टर्म आपकी थी उसमें एक और डी ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 22 + 6 यानी 28। ऐसी a6 भी आपको बतानी है तो उसे हम a5 + d लिख सकते हैं, सो 28 + 6 यानी 34, क्लियर। तो नेक्स्ट टू टर्म आपकी 28 और 64 हो जाएगी। तो पहले आपको हर पार्ट में क्या चेक करना है कि वो एपी है या नहीं, कैसे चेक करोगे, सबका डिफरेंस निकाल के, a2 - a1 a3 - a2 a4 - a3, क्लियर। अगर वो डिफरेंस इक्वल आ गया तो वो एपी फॉर्म कर रही है, एपी फॉर्म कर रही है तो आपको नेक्स्ट टू टर्म्स निकालनी है। एक बार इसी में डी ऐड कर दिया, फिफ्थ टर्म बन गई, और फिर दोबारा मतलब जो फिफ्थ टर्म आई उसमें फिर से डी ऐड कर दिया तो सिक्स टर्म बन गई आपकी, क्लियर। आया समझ में, अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है, देखो अब अगर सपोज सेकंड डिफरेंस फर्स्ट डिफरेंस के इक्वल नहीं है तो वहीं से हम स्ट्रेट अवे बोल देंगे कि वो एपी नहीं है, हमें तीसरा डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई भी दो अनइक्वल आ गए तो वो एपी नहीं है। अब सेकंड पार्ट देखो बेटा, इसमें 1 - 1 - 3 - 5, तो क्या ये एपी है, यस एपी फॉर्म करेगा इसमें भी, क्योंकि -2 - 2 होता जा रहा है, और फिर नेक्स्ट टू टर्म -7 और -9 आ जाएंगी आपकी, क्लियर। सेम वे में थर्ड पार्ट में अब देखो -2 फिर 2 फिर -2, अब देखो एक बार वो डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ये एपी नहीं बनेगी, क्योंकि एक बार आपका डिफरेंस 4 आ जाएगा और एक बार -4 आ जाएगा, तो डिफरेंस अनइक्वल हो गया तो एपी नहीं है। फोर्थ पार्ट में देखो, अब 3 लगातार 1 है,
फिर तीन लगातार टू है, फिर तीन लगातार थ्री है, तो क्या ये पी होगी? नहीं, क्यों? क्योंकि पहले दो का डिफरेंस तो जीरो जीरो आ जाएगा, फिर तीसरे वाले का डिफरेंस वन आ जाएगा, तो डिफरेंस अनइक्वल हो गया। देखो जहां पे भी अनइक्वल हो गया उसके आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, सीधा लिख देना है एज डिफरेंस आर नॉट इक्वल देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। क्लियर हो गया एग्जांपल टू तक?